और हमारे ऊपर अत्याचार करने के बाद फिर उन्होंने अपना मुगल साम्राज्य का स्थापित किया, उसके बाद अंग्रेजों ने वही कार्य किया और अंग्रेजों से दोबारा फिर ये सत्ता जो है भारतवर्षियों के बीच में आई। लेकिन ये लोग जो आर्यों के हाथ में सत्ता है, ये मूल निवासी नहीं है यहाँ के, ये लोग ईरान से आए थे और इन्होंने हमारे ऊपर सत्ता हमारे ऊपर राज किया। बाबा साहेब डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिस वक्त आए, उन्होंने इन लोगों का विरोध किया और बाबा साहेब हमें सोच रहे होंगे कि बहुत इतने इंटेलिजेंट आदमी तो थे, उनके दिमाग में ऐसी क्या बात रही, क्या दर्द रहा जो हम लोगों के दिमाग में वो दर्द नहीं आता, हम लोगों के दिलो दिमाग में वो दर्द नहीं आता कि जो बाबा साहब के दिमाग में था। बाबा साहब ने कभी अपने अकेले के लिए कार्य नहीं किया दोस्तों, बाबा साहब ने दलित लोगों के लिए कार्य किया, सभी लोगों के लिए कार्य किया और दलितों के लिए नहीं, ऑल ओवर जो सभी लोग हैं, सभी जो आज 15% है उनके लिए भी कार्य किया। आज जो आरक्षण की बात करते हैं, ये लोग महिला के लिए जितना भी रिजर्वेशन या जितने भी अच्छे कार्य हो गए सारे बाबा साहब ने किया, चाहे मैटरनिटी लीव हो, चाहे उनको 33% आरक्षण हो, ये सब बाबा साहब की देन है। और जिस वक्त एक वक्त तो दोस्तों ऐसा आया था हिंदुस्तान के अंदर कि बहुत ही परेशानी वाली बात तो बाबा साहब ने पैदा कर दी थी इन लोगों के बीच में कि अगर आप हम लोगों को अधिकार समान अधिकार नहीं देंगे तो हम लोग एक अछूत स्थान बना लेंगे। और जब अछूत स्थान वाली बात आई थी तो उस वक्त जो हमारे यहाँ के मेन लीडर थे सब लोग हिल गए थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे लोग, महात्मा गांधी की वाइफ थी वो खुद बाबा साहब के पास अपने सुहाग का जीवन दान लेने के लिए पहुंची थी। तो दोस्तों बड़ी अजीब स्थिति उस वक्त, एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था, कोई पुरुषा हाल का था जब अछूतों का यहाँ वो सिख ईसाई बन रहे थे, कुछ बन गए थे मुसलमान, डूबती नैया के मल्ला बने अम्बेडकर, बन के सूरज चमक उठे हिंद में अम्बेडकर। अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, धन्यवाद।